यीशु मसीह के समय पर इज़राइल का मैप कुछ इस प्रकार से था, आप इसे बड़े ध्यान से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी जगहें लिखी हैं वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में बहुत ही अद्भुत काम किए हैं। वो आज के दिन में यरूशलेम में मौजूद हैं और पाई जाती हैं। उन्हीं में से एक जगह है इमाउस, जहाँ पर यीशु मसीह ने दो चेलों को अपने जी उठने के पश्चात दर्शन दिया था। और आज इमाउस कहाँ पर है और कैसा दिखता है, आज की इस खास वीडियो में हम वो देखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाइबल पढ़ते रहिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें इमाउस कहाँ पर है। आप इन मैप्स के ज़रिए देख सकते हैं और वहाँ पर बहुत ही खास घटना हुई थी। मरकुस की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, इसके बाद वे दूसरे रूप में उनमें से दो को जब वे गाँव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। ये बात यीशु मसीह के चेलों के लिए कही गई है, क्योंकि जब स्त्रियों ने उन चेलों को बताया कि यीशु मसीह जी उठा है तो उन्होंने प्रतीति ना की। और उसके बाद जब इमाउस के नगर पे यीशु मसीह दो चेलों के साथ गए तो वहाँ से आने के बाद उन चेलों ने भी उन 11 को यीशु समाचार दिया, परंतु उन्होंने उसकी भी प्रतीति ना की। इमाउस नगर के विषय में आप अच्छे से स्टडी करने के लिए लूका की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसके 13वें पद से पढ़ सकते हैं। उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव में जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों को जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आँखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो, वे बातें क्या हैं? वह ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया, परंतु हमें आशा थी यही इज़राइल का छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया जो भोर पर कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वे जीवित हैं। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उनको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं, की सब बातों पर विश्वास करने पे मंद मतियों, क्या ये आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब उसने मूसा से और सभी भविष्यद्वक्ताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वे उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, और जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वे मार्ग में हमसे बातें करता और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 को और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, सचमुच प्रभु जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की सारी बातें उन्हें बता दी, और ये भी कि किस प्रकार उन्होंने रोटी तोड़ते समय उसे पहचाना। वो दो व्यक्ति क्लियोपास और शमौन थे। क्लियोपास, जिसकी पत्नी का नाम भी मरियम था, और बाइबल में यीशु मसीह के वो चेले थे और बहुत ही खास थे, और यही वो जगह है इमाउस का नगर। और यहाँ पर एक चर्च भी था इसी के स्मारक पे कि जहाँ यीशु मसीह ने रोटी तोड़ते समय जब चेलों की आंखें खोली तब उन्होंने उसे पहचाना, और वो ये जगह थी। और ये करीब 7 मील की दूरी पर यरूशलेम में स्थित थी, और ये जाफा और यरूशलेम के बीच का एक जगह थी। और यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ उस समय को बिताया और वहाँ से वो छिप गया। तो यही वो जगह है यहाँ पर एक स्मारक के तौर पर चर्च भी था, परंतु आज के समय पर इमाउस नगर कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप अपनी बाइबल पढ़िए, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से बाइबल की जानकारी को और उनकी जगहों की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं।
तो ज़रूर से वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगती है, ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी बाइबिल की जानकारी से भरी वीडियो को बना सकें। तो जो भी घटना आपने पढ़ी वो यहीं पर इसी जगह पर हुई थी, और ये जगह भी आज बहुत ज़्यादा से विजिट की जाती है। यहाँ पर यीशु मसीह के लिए जैसे बाइबल में लिखा था बिल्कुल वैसे ही पाया गया, और इमाउस का वो नगर जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने विषय में चलते चलते चेलों से बहुत सी बातें की, पवित्र शास्त्र का और सारे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक का अर्थ अपने चेलों को समझाया, केवल इसलिए ताकि वे उस पर विश्वास करें कि यीशु मसीह जी उठा है और यीशु मसीह जीवित प्रभु है और यीशु मसीह हमारे लिए सब काम करने में धर्मी है। जय मसीह की। आपके और आपके परिवार पर आशीष हो।